देखिए ना किसी ने गन्ना बेचता है, बारिश आ जाते एक गाय भैंस बेचारे ने बेचे जा, और भगवान ने इतना अच्छा घर दिया है उसी में संतुष्टि करना चाहिए। नए गांव की तरफ कहाँ बोल रहे रोड से जर बड़ा से घूमका अंदर अंदर ज्यादा घुमा रहा था ये से इधर से आज पता नहीं गले में भी आपने आवाज अलग लग रही है ना, बैठी बैठी हो रही है ना, बोलेगा रिस्ट्रेप्शन स्ट्रेप्शन से कुछ फर्क ना पड़ता मेरे को, दुखी हो रहा जाऊँ खाई ये सौंफ और इलायची चीनी रात काम करा भाई दुनिया तेज आगिर दोस्त है ना छतरी ना ले आई मैं तो कती भी अब उतर हो जाए बूंद कती सही कौन है आप तो चलना उल्टी हुए फिर ज्यादा दूर थोड़े हैं दोस्त, इतना कुछ नहीं गाड़ी में रुक जाएंगे इतना कुछ दिखे नहीं पड़ेगा आज ये रात इतनी अच्छी लग रही है देखिए इतनी सुकून की हो जिसमें सोते हैं हमें करो फोन आवाज आई जाए मुझे लगता है मेरे मतलब वाइब्स आ रही है कि मैं मिनटों से मिलूंगी यही बता है पिपल की गली में उसका घर टेक द नेक्स्ट राइट देन टर्न लेफ्ट हां आवाज तो नहीं आ रही कहीं पे कहां आ रही आवाज थोड़ी थोड़ी चलो आगे ठीक है गली में है अरे आगे कोई गली मेरी लेफ्ट साइड में ये कृष्ण दादा तैयार हो रहे देखो हाँ यही है ठीक है भाई कितनी दूर है यहाँ से पूछो कितनी दूर है इसी गली में यही है है कहाँ पे है आगे लगा दे इधर आगे इधर लगा सुनो हम दोस्त आवल प्लीज पहले वो पहले नहीं उड़ सकते चलो सिर पर रखो Oh,
आपकी और जयकारा भी नहीं लगाओगे तो भगवान आपके घर में बना रहे हैं। बोलिए साचे दरबार की, बोलिए सेना वाली माता की, बोलिए लाज बचाने वाले की। ये है ना बहादुर के महाराज
अपनी माँ से मांग ली थी, मेरी उम्र को मिलाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट मांग लो मिल जाएगा। भगतनी जब माता रानी अपने भक्तों पे खुश होती है तो उन्हें अपने दरबार में बुलाती है, और जब ज्यादा ही खुश होती है तो खुद चलकर उनके घर पर आती है और उनके घर पर हाँ पर साथ के रूप में भी आ जाती है। बिल्कुल बड़ा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई है। तो जब ज्यादा प्रसन्न होती है तो खुद उनके घर पर माता रानी आती है और उनके घर पर जागरण होता है, और जो जागरण करवाता है वो अपनी माँ की क्या क्या लाड करना चाहता है, आइए सुनते हैं इस भजन के द्वारा। तू कृपा कर माता, कीर्तन कराऊंगी, तू कृपा कर माता, कीर्तन Thank you.
और तालियां बजाइए माँ के साथ अपना रिश्ता बनाने के लिए। देखिए तालियां जोर जोर से बजाइए ताकि माता की आवाज जाए। और एक भगत की अरदास जो बाबा के पास बार बार मांगते जाता है, कठोर शाम बाबा को कौन कौन मानते हैं यहाँ पे, कितना मानते हैं? ये सारे ही मानते हैं, इनका तो कुल देवता ही खातू शाम है। मेरे भी ऐसे बोलिए शाम से हरे की, बोलिए हरे के सहारे की, बोलिए तीन बार भारी की, बोलिए वहाँ अहल पति के लाल की, बोलिए हरे के सहारे की, बोलिए लाज बचाने वाले की, बोलिए साथ निभाने वाले की। अरे मैं क्या बोलूँ शाम घड़ी, I'm gonna make you mine।
कुछ इतना है कि बारिश बरस रही है लेकिन कीर्तन नहीं छोड़ना चाहते। ये माँ भाई और श्याम बाबा का ही प्रेम है कि आज अपनी रात में जाग रहे हैं, अपनी बरसात में भजनों का आनंद ले रहे हैं। मुझे तो औकात से ज्यादा मिला है, इतनी मेरी औकात ही नहीं जितना बाबा ने मुझे दे दिया, तो बाबा देता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन सच्चे मन से और सच्ची लगन से जाना पड़ता है और एक जगह पैर रखो अपने, मतलब जहाँ ऐसे श्री कृष्ण भगवान की गीता में कहते हैं कि आप जिस देव को मानते हो उसी को मानो, मैं आपकी आस्था उसी में ही डाल देता हूँ, चाहे कोई हो। एक अपने बच्चों को राम राम करने सिखाओ, सिर्फ राम राम, नो नमस्ते, नो हेलो, नो गुड मॉर्निंग, सिर्फ राम राम, और पहले आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है? हो गया। जब मेरे खाटू वाले
बड़ा अच्छा इनकी इतनी हाजिरी कबूल करे महाभाल टोल आई ने और ये उसके बाद सर महाकाली और शंकर जी बड़ी सुंदर जाते रास्ता फिर छोड़ देना ये लाइन ना मतलब दो है लेकिन अभी टाइम कम है तो मैं एक ही सुनाना चाहूंगी गाती हूँ जिसके लिए जिसके माता रानी के दोनों मस्त है ना ये आगे तो सारे बाबा शाम के चलेंगे।
आगे जा लेंगे, तो नवरात्र के लिए पर अच्छे अच्छे ये भाई भी जला गिरी दोस्ती न पता को नहीं कि मारी जा रही है आई बाछड़ा भी कति भीज गया ये तो इनका अंदर जगह बना रखी पेरा ही कोनी मेरे ख्याल ना तो कोई गाय ना बंद रही जाएगी सारी रात में ना होगा इनके का बन ये तो मंदिर की लग रही मुझे गाय शाम को जो है फिर उन्हें पता नहीं सारी रात से परेशान लग रहे शाम से ही फिर नहीं होगा अंदर रास्ता बंद नहीं करता देखिए यहाँ बंद रखी मंदिर बंद रास्ता नहीं बंद नहीं देखो ये अंदर बंद ना रखी है तो बड़ी जगह बना रहे यार रात तो सुकून के लिए होती देखी मैं अब पता चलता है रात की कीमत का दोस्त तो जाते ही भाई अब नेक्स्ट पता कौन